हेलो एवरीवन, नीट का जो एडमिट कार्ड है उसमें एक कॉलम है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का। डिफरेंट स्टेट्स के स्टूडेंट्स का वहां पर स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है, यानी आपके नीट के एडमिट कार्ड पर स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो लिखी हुई है उसका मतलब क्या होता है। अगर स्टेट का नाम लिखा है तो क्या आप उस स्टेट से काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे 85% स्टेट कोटा में या नहीं कर पाएंगे, उसकी कंप्लीट डिटेल क्या है, राइट और स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है और काउंसलिंग में कौन एलिजिबल होगा, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में। मेडका विंग की ओर से मैं अमित आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके मोस्ट फेवरेट नीट इंफॉर्मेटिव चैनल मेडका विंग में। गाइस हम लोग बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी की। आपका जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड पर आपका रोल नंबर लिखा है, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर लिखा है, कैंडिडेट्स का नेम लिखा है, जेंडर लिखा है, कैटेगरी लिखा है, राइट उसके बाद आपकी डिफरेंट डिटेल्स लिखी है। लेकिन यहां पर एक टर्म यूज किया गया है, दैट इज स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। अब ये जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, यहां पर ये जो एडमिट कार्ड है इसमें उत्तर प्रदेश लिखा है, तो क्या इसका मतलब कि ये कैंडिडेट उत्तर प्रदेश की 85% स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट कर पाएगा। कई सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि भाई अगर स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी मेरा लिखा हो तो इसका मतलब मैं उस स्टेट के लिए एलिजिबल हूं 85% कोटा के लिए। गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो नीट के एग्जामिनेशन के लिए जो एडमिट कार्ड होता है, एडमिट कार्ड में स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी इस वजह से लिख के आता है क्योंकि आपने जब नीट का एप्लीकेशन फॉर्म आप भर रहे थे उस समय आपने क्लास 12th आपने जिस स्टेट से किया है उस स्टेट का आप नाम लिखते हैं। क्लास 12th आपने जिस स्टेट से किया है उस स्टेट का नाम यहां पर लिखकर आता है और इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि आप यहां पर लिखने मात्र से आप एलिजिबल हो जाएंगे उस स्टेट के 85% स्टेट कोटा के लिए। हाँ, अगर बाकी के सारे रूल्स आप फॉलो करते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट की, जैसे दिल्ली से अगर 11th 12th किया है तो फिर वो कैंडिडेट दिल्ली के 85% स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसका मतलब कि अगर 12th वहां से किया है तो फिर ऐसे कैंडिडेट जिनका न्यू दिल्ली लिखकर आया है जाहिर सी बात है कि वहां के स्टेट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में 10th और 12th दोनों जो है वो यूपी से होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। अब 10th अगर आपने किसी दूसरे स्टेट से किया और आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय 12th आपने यूपी से किया था और 12th की डिटेल आपने बना दी और उसके बाद आपका डोमिसाइल अगर यूपी का नहीं है तो फिर आप यूपी स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं है। उसी तरीके से एमपी स्टेट में जैसे कि डोमिसाइल जरूरी होता है, बिना डोमिसाइल के आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में डोमिसाइल प्लस 10th और 12th दोनों जरूरी होता है, राइट। वेस्ट बंगाल में या तो स्टडी की हो या तो पेरेंट्स रह रहे हो या फिर स्टूडेंट्स रह रहा हो। सो अलग अलग जो स्टेट है उनके अलग अलग रूल्स होते हैं, राइट। सो इस वजह से जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ इसलिए लिखा रहता है क्योंकि आपने क्लास 12th जहां से कंप्लीट किया है उसकी डिटेल आप नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में भरते हैं जिसकी डिटेल यहां पर आती है स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में लिखकर, राइट। और अगर सेम उसी स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपको बाकी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उस पर्टिकुलर स्टेट के वो आपको फॉलो करना पड़ता है। सो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी लिखने मात्र से एडमिट कार्ड में आप उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हाँ, डिफरेंट स्टेट्स में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है 85% स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करने के लिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट के बारे में वन बाय वन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी और कैसे कौन कौन कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर पाएंगे उसकी कंप्लीट डिटेल नेक्स्ट के वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप मेडका विंग के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहे। नीट 2022-23 इन दो ईयर का कट ऑफ किसी भी स्टेट का, किसी भी कॉलेज का, किसी भी कोर्स का राउंड वाइज मार्क्स और रैंक अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर आपको विजिट करना पड़ेगा www.medicawing.com। medicawing.com की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहां पर जब आप विजिट करेंगे तो यहां पर आपको नीट प्रेडिक्टर का एक टैब मिलेगा जिस प्रेडिक्टर पे आप एक तो अपना रैंक चेक कर पाएंगे कि आपकी रैंक 2024 के एग्जामिनेशन में क्या हो सकती है, राइट। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि कट ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस का क्या था। यहाँ पर नीट कट ऑफ, यूजी कट ऑफ व्यूअर दिया गया है जिसका एक्सेस करके आप पता कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कॉलेज में उस दो साल में 2022 और 2023 में क्या कट ऑफ था, राउंड वाइज मार्क्स और रैंक क्या रिक्वायर्ड थे आपकी कैटेगरी के हिसाब से। आपका कोई क्वेश्चन होता है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। 2024 में काउंसलिंग गाइडेंस के लिए अगर मेडका विंग की टीम की हेल्प चाहते हैं तो फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं जो स्क्रीन पर नंबर शो रहा है इस नंबर पर, या फिर मेडका विंग का ऐप डाउनलोड कीजिए जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहां से भी आप गूगल फॉर्म अप्लाई करके हमारी काउंसलिंग ऑप्ट कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडका विंग, थैंक्स अ लॉट।